जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। तो आज हम पढ़ेंगे ध्रुव स्वामी नाटक जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा यह रचित है। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद कृत ध्रुव स्वामी नाटक का सबसे प्रमुख तथा केंद्रीय पात्र है। अर्थात ध्रुव स्वामी जो नाटक है उसका प्रमुख पात्र जो है वह ध्रुव स्वामी जी ही है, और संपूर्ण नाटक कथा जो है वह ध्रुव स्वामी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। अर्थात उन्हीं के इर्द गिर्द, उन्हीं के आसपास या उन्हीं से संबंधित सभी घटनाएं घटित होती हैं। वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है, लेकिन रामगुप्त शिखर स्वामी के षड्यंत्र से न केवल ध्रुव स्वामी से जबरन विवाह कर लेता है बल्कि राज्य भी हड़प लेता है। जो रामगुप्त है वह चंद्रगुप्त का ही भाई रहता है, लेकिन वह अपने षड्यंत्र दिमाग से ध्रुव स्वामी से जबरन विवाह कर लेता है और राज्य भी हड़प लेता है। सकराज नाटक का खल पात्र है, मतलब खलनायक आप समझ लीजिए, वह भी ध्रुव स्वामी पर मुग्ध हो जाता है। ध्रुव स्वामी पर वह मोहित हो जाता है और संधि प्रस्ताव के रूप में रामगुप्त से ध्रुव स्वामी की मांग करता है। जो सकराज है और रामगुप्त है दोनों के बीच में दुश्मनी चल रही होती है, लेकिन वह संधि का प्रस्ताव रखता है और साथ में ही ध्रुव स्वामी की मांग करता है। कायर रामगुप्त, रामगुप्त जो था वह कायर था, ध्रुव स्वामी को उसे सौंपने के लिए भी तैयार हो जाता है, जो कि ध्रुव स्वामी को पसंद नहीं आता है। आगे हम देखेंगे नाटक के अंत में चंद्रगुप्त न केवल सकराज का वध करके ध्रुव स्वामी के सम्मान की रक्षा करता है बल्कि रामगुप्त से उसे मुक्ति भी दिला देता है, क्योंकि जो ध्रुव स्वामी था उसका विवाह रामगुप्त से जबरन हुआ था और चंद्रगुप्त से वह प्रेम करती थी, इसलिए चंद्रगुप्त ने सकराज का वध भी किया, साथ साथ ध्रुव स्वामी का सम्मान भी उचाया और उसके साथ साथ ही रामगुप्त से उसे मुक्ति दिला दी। नाटक के अंत में ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को अपने पति के रूप में पाने में सफल हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्रुव स्वामी ही एक ऐसा पात्र है जो नाटक में आद्यांत गतिशील रहता है। ध्रुव स्वामी का चरित्र चित्रण नाटक के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में हुआ है, क्योंकि जो ध्रुव स्वामी नाटक है वह ध्रुव स्वामी जी के नाम पर ही है और वह उस नाटक की प्रमुख पात्र है। आगे देखेंगे हम, अब हम आगे देखेंगे ध्रुव स्वामी की चारित्रिक विशेषताएं, मतलब उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, जिससे कोई भी प्रश्न आए तो हम आंसर बहुत ही अच्छे से लिख सकें, जिससे पूरा अंक हमें प्राप्त हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिससे वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। पहली विशेषता क्या है कि वह नाटक की नायिका है। ध्रुव स्वामी प्रस्तुत नाटक की नायिका है। नाटक की संपूर्ण तथा ध्रुव स्वामी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। ध्रुव स्वामी जो है वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है। वह चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता पत्नी है। चंद्रगुप्त भी उससे प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन चंद्रगुप्त का बड़ा भाई रामगुप्त भी उस पर मुग्ध हो जाता है और शिखर स्वामी के षड्यंत्र में से उससे जबरन शादी कर लेता है और चंद्रगुप्त के राज्य को भी हड़प लेता है। सकराज भी ध्रुव स्वामी के रूप में सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है। जो सकराज था वह भी ध्रुव स्वामी के रूप पर सौंदर्य पर आसक्त हो जाता है, मतलब मुग्ध हो जाता है। वह ध्रुव स्वामी को पाने के लिए लालायित रहता है। वह एक संधि प्रस्ताव रामगुप्त के पास भेजता है कि अगर रामगुप्त अपने राज्य तथा राज्यवासियों की रक्षा करना चाहता है तो वह ध्रुव स्वामी को उसे सौंप दे। अंत में ध्रुव स्वामी के गौरव की रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर अपने बड़े भाई के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है और न केवल सकराज का वध करता है बल्कि उसे रामगुप्त के चंगुल से भी मुक्त करवाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नाटक में कथा को गति प्रदान करने में ध्रुव स्वामी का सर्वाधिक महत्व है और यह नाटक की नायिका भी है। वह नाटक के नायक चंद्रगुप्त को उसकी वीरता, पराक्रम, शौर्य और कर्तव्य की याद दिलाती है। वहीं दूसरी ओर नाटक के खल पात्र रामगुप्त और सकराज के कार्य व्यापारों को निर्देशित करने में भी उसकी महती भूमिका बनी होती है। एक सच्ची प्रेमिका होने के साथ साथ सदियों से नारी के प्रति हो रहे अत्याचारों का विरोध कर वह नाटक के एक अन्य उद्देश्य नारी स्वतंत्रता व उसके अधिकार को उजागर करती है। अर्थात इस नाटक से वह अपने चरित्र से नारी स्वतंत्रता व उसके अधिकार को भी उजागर करती है। आगे हम देखेंगे अगली विशेषता क्या है कि वह अद्वितीय सुंदरी थी। ध्रुव स्वामी अप्रतिम सौंदर्य की मूर्ति थी। उसकी सुंदरता के कारण ही चंद्रगुप्त उसे अपना दिल दे बैठता है। उसके रूप सौंदर्य के कारण ही रामगुप्त उसे बलपूर्वक अपनी पत्नी बनाता है। सकराज भी उसकी
सुंदरता पर मुग्ध होकर रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है कि अगर ध्रुव स्वामिनी उसे भेंट में दे दी जाएगी तो वह युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर देगा और एक अद्वितीय सुंदरी ही इतने पुरुषों के हृदय के धड़कनों को विचलित कर सकती है। इसका अर्थ है कि ध्रुव स्वामिनी जो थी वह अद्वितीय सुंदरी थी, यह उनकी दूसरी विशेषता थी। अगली विशेषता हम देखेंगे, अगली विशेषता है परंपरागत अबला नारी। नाटक के आरंभ में ध्रुव स्वामिनी एक परंपरागत अबला नारी प्रतीत होती है। नाटक जब शुरुआत होता है उसका जो जबरन विवाह रामगुप्त उससे करता है तो उसमें वह एक परंपरागत अबला नारी प्रतीत होती है। चंद्रगुप्त से प्रेम करने के बावजूद उसकी साथी जबरन रामगुप्त से कर दी जाती है। बिना कोई विरोध किए वह अपने आप को नई परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयास करने लगती है, लेकिन दिल से कभी भी रामगुप्त को पति रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। लेकिन सकराज जब संधि प्रस्ताव के रूप में ध्रुव स्वामिनी की मांग करता है और कायर रामगुप्त उस संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर ध्रुव स्वामिनी को भेंट स्वरूप उसके पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो वह टूट जाती है और रामगुप्त के सामने अनुनय विनय करने लगती है। लेकिन जब रामगुप्त उसकी इस प्रार्थना को भी ठुकरा देता है तो वह विरोध पर उतर जाती है। लेकिन यहाँ भी उसकी कमजोरी ही प्रकट होती है कि जब वह स्वयं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी एक यह विशेषता थी कि वह अबला नारी की तरह प्रतीत होती थी और लोगों का सम्मान करती थी। अगली विशेषता है कि व्यवहारिक व बुद्धिमान थी वह। ध्रुव स्वामी व्यवहारिक एवं बुद्धिमान है। रामगुप्त के प्रति पति रूप में जब स्वीकार करना भी उसकी व्यवहारिकता का ही एक परिचय है। नाटक के आरंभ में वह खड्गधारणी स्त्री के समक्ष अपने हृदय की सभी बातों को नहीं बताती, वह अपने हृदय के भावों को किसी ढंग से छुपा कर रखती है। सकराज के शिविर में भी वह बुद्धिमत्ता से काम लेती है और सकराज का वध करने में चंद्रगुप्त का साथ देती है। सामंत कुमारों तथा प्रजा को अपने पक्ष में करना भी उसकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है। धर्मगुरु भी उसके तर्कों को सुनकर उसे रामगुप्त से संबंध विच्छेद करने और चंद्रगुप्त से पुनर्विवाह करने की आज्ञा प्रदान कर देते हैं। वह एक प्रकार से बहुत व्यवहारिक थी, उसके जो भी चरित्र थे, और वह बहुत बुद्धिमान थी, सभी कार्यों को बहुत ही बुद्धिमानी के तरीके से करती थी। आगे देखेंगे, अगली विशेषता है दुविधाग्रस्त नारी। संपूर्ण नाटक में ध्रुव स्वामिनी का चरित्र दुविधाग्रस्त नजर आता है। वह प्रेमचंद्र से करती है प्रेम, लेकिन उसे शादी रामगुप्त से करनी पड़ती है। उसका मन विरोध करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। वह रामगुप्त की कायरता से और निर्बलता दूषित मानसिकता का विरोध करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती है। वह चीख चीख कर चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम को उजागर करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती है। लेकिन नाटक के अंत में आते आते उसकी यह दुविधा दूर हो जाती है। वह खुलकर रामगुप्त का विरोध भी करती है और चंद्रगुप्त से अपने प्रेम को स्वीकारोक्ति भी। दुविधाग्रस्त नारी इस प्रकार वह हो जाती है कि वह पूरे नाटक में एक दुविधाग्रस्त नारी की तरह दिखाई पड़ती है। वह चंद्रगुप्त से प्रेम करती है लेकिन वह किसी को बता नहीं पाती है। वह रामगुप्त के कायरता, निर्बलता और दूषित मानसिकता का विरोध करना चाहती है लेकिन वह नहीं करती है, कर नहीं पाती है। और वह चीख चीख कर चंद्रगुप्त के प्रति अपने प्रेम को उजागर करना चाहती है लेकिन वह नहीं कर पाती है। इस प्रकार वह दुविधाग्रस्त नारी के रूप में पूरे नाटक में प्रतीत हुई है। लेकिन अंत में जब शकराज को सौंपने के लिए रामगुप्त तैयार हो जाता है तो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर वह शकराज का वध कर देती है और रामगुप्त का भी विरोध कर पाती है और चंद्रगुप्त से अपने प्रेम के बल पर ही शादी कर लेती है। अगली विशेषता है नारी सुलभ गुणों से युक्त। ध्रुव स्वामिनी नारी सुलभ गुणों से युक्त है। वह प्रेम, दया, क्षमा जैसे गुणों की साक्षात मूर्ति है। चंद्रगुप्त से प्रेम करना और चाहकर भी उसे भुला न पाना जहाँ उसके प्रेम का परिचायक है, वहीं रामगुप्त के साथ जबरन बंधी रहना उसके नारी सुलभ मजबूरी को ही प्रकट करता है। नाटक में कई स्थान पर ही उसका यह प्रेम जाने अनजाने छलक भी उठता है। जब चंद्रगुप्त उसे बचाने के लिए शक शिविर में जाने की बात करता है तो वह अपने आप को नहीं रोक पाती है और सबके सामने उसे आलिंगन कर लेती है और कहती है, नहीं, मैं तुमको नहीं जाने दूंगी। एक नारी होने के नाते ध्रुव स्वामिनी क्षमा और दया की भी मूर्ति है। वह कोमा और मिहुर देव को सकराज का शव ले जाने की सहर्ष आज्ञा प्रदान कर देती है। आगे हम देखेंगे, अगली विशेषता यह है कि आत्मगौरव की भावना से ओतप्रोत है वह। ध्रुव स्वामिनी आत्मगौरव की भावना से ओतप्रोत है। जबरन रामगुप्त से विवाह होने के कारण वह उसे पति रूप में मन में से कभी स्वीकार नहीं करती। उसकी आत्मा उसे कभी इसकी स्वीकारोक्ति नहीं देती है कि अपने आत्मगौरव की रक्षा के लिए
तब वह रामगुप्त के आगे अनुनय विनय करने लगती है। जब रामगुप्त उसे सकराज के पास भेजने की बात को स्वीकार कर लेता है, लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगने पर वह आत्महत्या करने के लिए उद्यत हो जाती है। जब रामगुप्त तैयार हो जाता है सकराज को देने के लिए, सौंपने के लिए, तो वह रामगुप्त के सामने अनुनय विनय करती है, फिर भी रामगुप्त नहीं मानता है तो वह आत्महत्या की बात करती है, लेकिन अपने आत्मगौरव को नीचे नहीं होने देती है। इसलिए उसकी विशेषता यह भी है कि आत्मगौरव की भावना से वह ओतप्रोत है। अगली विशेषता यह है कि अन्याय और अत्याचार का सामना करने वाली। यद्यपि नाटक में कई स्थान पर ऐसी प्रतीत होता है कि जैसे ध्रुवस्वामी महज एक अबला नारी है जो अपने ऊपर हो रहे हर प्रकार के अत्याचार को सहन करने के लिए विवश है, तथापि नाटक में ऐसे कई दृश्य भी आते हैं जब वह अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध मुकर जाती है। सकराज का संधि प्रस्ताव स्वीकार करने पर वह रामगुप्त को निर्बल कायर कहकर उसकी भर्त्सना करती है। जब चंद्रगुप्त को बंदी बना लिया जाता है तो वह खुद चंद्रगुप्त से लौह श्रृंखलाओं को तोड़ने का आग्रह करती है। नारी की दुर्दशा के लिए वह भारतीय धर्म शास्त्रों को दोषी मानते हुए उन्हें नारी की दुर्दशा के लिए उत्तरदायी मानती है। वह अन्याय और अत्याचार का सामना करने वाली एक स्त्री के रूप में उसका चरित्र इस नाटक में प्रदर्शित किया गया है। अगला हम देखेंगे ध्रुव स्वामी की विशेषता। सभी विशेषताओं को पढ़ने के बाद निष्कर्षता कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामी प्रस्तुत नाटक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पात्र है। ध्रुव स्वामी का चरित्र चित्रण न केवल ध्रुव स्वामी के चरित्र पर प्रकाश डालता है, बल्कि चंद्रगुप्त, रामगुप्त आदि अन्य पात्रों के चरित्र तथा नाटक के उद्देश्य पर भी प्रकाश डालता है। यह था हमारा ध्रुव स्वामी का चरित्र चित्रण। और कमेंट में ज़रूर बताएं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए, और चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।